जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि यह चैप्टर वाइज चलेगा टेस्ट सीरीज, रोज डेली एक वीडियो पड़ेगा इसमें, तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे जुड़े रहिए। प्रत्येक चैप्टर के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि एग्जाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर होगा सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए सादृश्यता परीक्षण, सा माने समान, दृश्यता माने दिखने वाला, मतलब समान दिखने वाले का परीक्षण किया जा रहा है इसमें। इसमें क्या समानता है देखा जा रहा है। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। बी ई सी डी अनुपात वाई वी एक्स डब्ल्यू समान पाते डी जी ई एफ और क्वेश्चन मार्क दिया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे हमको इसमें जो समानता है इसी प्रकार इसमें भी समानता होगी। यदि आप क्वेश्चन आंसर बताना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या समानता है। तो हम देखते हैं पहले बी वाई एक दूसरे को अपोजिट हैं। बी वाई ई का अपोजिट वी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। हालांकि हम यहाँ तक इस पर यह प्रैक्टिस सेट है क्लास, चूँकि क्लास नहीं है इसलिए हम जहाँ तक मान ले रहे हैं कि आप लोगों को ये बात अपोजिट के बारे में पता होगा और प्लेस वैल्यू भी आपको प्रत्येक चीज़ की पता होगी, चूँकि हम फिर भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। चलिए इसमें एक दूसरे का अपोजिट है तो यहाँ देखेंगे डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, जी का अपोजिट क्या होगा टी, ई का अपोजिट क्या होगा वी, एफ का अपोजिट क्या होगा यू। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डब्ल्यू टी वी यू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपोजिट। जैसे कि अपोजिट का मतलब ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का बी। इसी प्रकार से हमारा सारे का अपोजिट है, इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ए का जेड ऐसे आसानी से, बी का वाई बाय सी का सिक्स, सिक्स सी एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू मतलब आपके घर जो फूफा आते हैं, एफ यू, जी टी, जी का टी है जी टी रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। एच एस ये हमारे टीचर थे इसलिए हमको ये याद है। आई आर जो कि ओमसला है, बी बराबर आई आर, तो इस प्रकार से हम सारे को याद कर लेंगे और प्लेस वैल्यू भी हम याद कर लेंगे। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू जो होता है वन होता है, बी का टू होता है, इसी प्रकार जेड का 26 होता है। प्लेस वैल्यू को भी हम याद कर लेंगे। आसानी के लिए हम लिख लेते हैं, चूँकि किताबों में भी दिया है, जो टी मतलब ये 5 है, 10 है इसका प्लेस वैल्यू, इसका 15 है, इसका 20 है, इसका 25 है। इसके आगे पीछे का इसको ध्यान में रखते हुए इसके आगे पीछे, जैसे ई के पहले क्या है सी डी डी है, तो डी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, इसी प्रकार इसके बाद क्या है ई के बाद एफ है, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे पीछे करके याद कर लेते हैं, हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी याद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या समानता हमको मिलती है। दिया है हमारा डी के एफ एम एफ आई एच के और वी एल जी पी और क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह मतलब इसमें जैसी समानता होगी इसमें भी वैसी समानता वाले वर्ड को ढूंढना होगा हमको। तो हम देखते हैं डी उल्टा देखेंगे तो डी का एफ उल्टा होता नहीं है, तो हम हमारा प्लेस वैल्यू से देखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी 11 है, इसकी 6 है, इसकी 13 है। तो हम देखेंगे 4, इसकी 6 है, इसकी 9 है, इसकी 8 है, इसकी 11 है। तो इसमें 2 जोड़ा गया है तो 6 आया है, मतलब 4 में 2 जोड़ा जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 की वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू जो होता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है, और के में के 11 है तो 2 घटाया गया है, यहाँ प्लस 2 जोड़ा गया है और इसमें 2 घटाया गया, 11 में से 2 जाए 9 के, और फिर एफ का 6 होता है, 2 जोड़ा गया है, फिर यम एम का 13 तो 2 घटाया गया, यानी कि 2 जोड़ा गया फिर 2 घटाया गया। तो वी देखेंगे बी में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा 2 घटाएंगे एल का 12 होता है तो 10 आ जाएगा, जे आ जाएगा जी में 2 जोड़ेंगे जी 7 होता है तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा, और पी में 2 घटाएंगे हम तो हो जाएगा हमारा 14, 16 में से 2 घटेगा 14 हो जाएगा एन वैल्यू। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी जे आई एन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम इसी के साथ देख, अगला क्वेश्चन हमारा है सी डी एफ और अनुपाते जी एच डी समान पाते के एल एन
और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हम देखेंगे ये सी की प्लेस वैल्यू, उल्टा तो है नहीं, सी का उल्टा जी होता नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी हमारी प्लेस वैल्यू जो है 3 है, मतलब इसकी 7 है, इसकी 3 है, मतलब यानी कि लग रहा है कि 4 जोड़ा गया है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, तो इसमें भी 4 जोड़ा गया है, मतलब यानी कि सारी चीज़ों में 4 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम इसमें जोड़ लेंगे, इसकी 11 होती है, इस 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगी, मतलब यानी कि वो हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 12 है तो 16 हो जाएगी, तो 16 मतलब पी, और इसमें जोड़ेंगे तो 18 यानी 18 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, ओ पी आर, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके साथ देखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ एनालॉजी टेस्ट के प्रत्येक टाइप को दिया गया है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को इसमें दिखाया गया है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कितने टाइप दिए गए एनालॉजी टेस्ट में, जितने भी टाइप हैं उसमें इन टाइपों के क्वेश्चन को डाला गया है, ताकि आपको पूर्ण रूप से तैयार हो सके एनालॉजी टेस्ट। तो देखिए इसमें सी का उल्टा ये नहीं होता है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, सी डी ई वी एफ अनुपात है यू वी डब्ल्यू एक्स और समान बात है आई जे के एल, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे इसका उल्टा ये तो है नहीं, हम इधर से देखते हैं, एफ का उल्टा यू है, ई का उल्टा वी है, डी का उल्टा डब्ल्यू है, सी का उल्टा एक्स है, इसी प्रकार से हम ये भी इसको भी ले लेंगे, एल का उल्टा होता है, एल का उल्टा हमारा हो जाएगा ओ, के का उल्टा पी होता है, और जे का उल्टा क्यू होता है, और आई का उल्टा आर होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमको अपोजिट सारे का ज्ञात कर लेना है, जानना है, याद रखना है, और प्लेस वैल्यू भी ज्ञात करना है, ताकि हमारा रीजनिंग में सवाल आसानी से लगाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा पाँच देखते हैं, एन एम के एच एच आई के एन यू टी आर ओ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो हम चेक करते हैं, एन एन यानी 14 इसकी वैल्यू होती है, और उसमें से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 की एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, तो इसमें 6 घटा देंगे, और यम में 4 घटाएंगे तो यम की वैल्यू 13 होती है, या आई की 9 होती है, 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा, के को सेम रहने दिया है, मतलब तीसरे वैल्यू को, तीसरे स्थान वाले को सेम रहने दिया, और इसमें 6 जोड़ दिया है, यानी इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, यू से 6 घटाएंगे तो ओ आ जाएगा, टी से 4 घटाएंगे तो पी आ जाएगा, आर को सेम रहने दिया गया है, तीसरे स्थान को सेम रहने गया, ओ में 6 जोड़ देंगे तो हमारा 21 यानी कि यू आ जाएगा, ओ पी आर यू, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनालॉजी टेस्ट में ज़्यादातर प्लेस वैल्यू और अपोजिट हमको याद रहना चाहिए, ताकि हमारी सवाल जो है तेज़ी से लग सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एनालॉजी टेस्ट में अगला टाइप है, हम इसमें देखेंगे, हम मैच करते हैं स्टार्टिंग में, पहले अपोजिट देखेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे, यदि कोई नहीं मैच कर रहा है तो देख रहे हैं हम, चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मैच किया हुआ है, और इसको ले जाके यहाँ पर रख दिया है, यानी कि पहले इतना पार्ट लिया है और फिर यस को सबसे लास्ट में रख दिया है, तो हम भी यहाँ यही करेंगे, एक वर्ड को छोड़ देंगे, इतना पार्ट लेंगे और ई को लास्ट में लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर आई डी एन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा, सी सही हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर पहले आंसर अपना चेक, अपना आंसर देख लीजिए, दे दीजिए, उसके बाद ये वीडियो आगे आंसर इसमें लिखिए, तभी आपको प्रैक्टिस करने का कोई मतलब निकल पाएगा, अन्यथा ऐसे देखकर याद रख लेंगे और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, पहले स्वयं करिए उसके बाद आंसर चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा ये दिया क्वेश्चन, एल एन पी क्यू ए सी ई एफ टी यू एक्स वाई और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, एल का प्लेस वैल्यू 12 है, ए का फर्स्ट है, एन का 14 है, और सी का जो है 3 है, तो हम देखते हैं कि ए 12 है, ए 1 है, ए 14 है, ए 3 है, यानी कि हम देखने से लग रहा है कि इसमें से 11 घटाया गया है, तो हमारा 11 यहाँ से घटाएंगे तो देखेंगे ए आएगा, फिर 11 घटाएंगे तो एन से 11 घटाएंगे तो सी आएगा, इसी प्रकार से पी से 11 घटाएंगे तो बी ई आ जाएगा, क्यू से 11 घटाएंगे तो एफ आ जाएगा, यानी कि प्लेस वैल्यू 6 होगी, क्यू की 17 होती है और एफ की 6 होती है, तो 11 जब उसमें माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 17 से 11 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो अगला देखेंगे ए क्या आएगा, इसमें 20 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 यानी कि आई, 21 में से 11 घटाएंगे तो 10,
माने यानी कि जे 24 में से एक्स का वैल्यू प्लेस वैल्यू 24 होती है, 24 में क्या 11 घटाएंगे तो 13 आएगा एम, 25 में से 11 घटाएंगे 14 आएगा एन, आई जे एम एन, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, डी सी बी ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल और क्वेश्चन मार्क। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है, डी का डब्ल्यू होता है, डी का डब्ल्यू होता है, सी का एक्स होता है, बी का वाई होता है और ए का जेड होता है। इसी प्रकार से हम निकलेंगे, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है और के का पी होता है और जेड का ए होता है। आर क्यू पी ए हमारा आंसर हो जाएगा। एल का सॉरी जेड नहीं है, एल है, एल का ओ होता है, आर क्यू पी ओ हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसका 6 वैल्यू है प्लेस वैल्यू, इसका 4 है यानी कि 2 घटाया गया है तो हमारा अगला वैल्यू प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 घटाया गया, इसमें 2 जोड़ा गया है यानी कि यहाँ से देखेंगे प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 10 है, प्लस माइनस 2 और प्लस 2 सॉरी पहले में घटाया गया, दूसरे में जोड़ा गया, फिर तीसरे में घटाया गया है और चौथे में जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम अगला इसको देखेंगे, पहले क्या किया गया है, पहले हमारा घटाया गया है यानी कि आ जाएगा 7 होता है इसका, 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यानी कि ई आ जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे 13 में 2 जोड़ेंगे 15 तो यानी कि ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। फिर 2 घटाएंगे फिर आ जाएगा आई से 2 घटाएंगे जी आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे एल में 2 जोड़ेंगे एन आ जाएगा, ई ओ जी एन ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ए बी सी डी ई के एल एम एन ओ एफ जी एच आई जी दिया गया है। हम देखते हैं कि ए की वैल्यू 1 होती है और के की वैल्यू 11 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, एल की वैल्यू 12 होती है तो 12 होती है मतलब, तो हमको देखने से लग रहा है इसमें 10 जोड़ा गया है यानी कि इसमें 10 जोड़ा गया है यानी कि सारे में 10 जोड़ा गया है। तो हमारा जैसे ए में 10 जोड़ेंगे तो एक के आएगा, बी में एल आएगा, बी में 10 जोड़ेंगे तो सी में, सी का 3 होता है 10 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा एम आ जाएगा, डी का 4 होता है 10 जोड़ेंगे एन आ जाएगा, ई का 5 होता है 10 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा ओ आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम 10 जोड़ेंगे, एफ का 6 होता है 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 मतलब पी की प्लेस वैल्यू है, जी 7 है 10 जोड़ेंगे तो 17 आ जाए, क्यू की प्लेस वैल्यू है और एच 8 है 10 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 है आर की है, आई में 10 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, एस की वैल्यू 19 है और जे में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, टी की वैल्यू है पी क्यू आर एस टी यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 11, एल एम एन ओ एन क्यू टी डब्ल्यू जी एच आई जे और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम देखते हैं एल का प्लेस वैल्यू 12 है, एन का 14 है, 4 नंबर का डिफरेंट है, एल का एम का 13 है, क्यू का 17 है। इसी प्रकार से इन लोगों का प्लेस वैल्यू तो एम एल में हमारा 2 जोड़ा गया है, एम में हमारा 4, एन में 6, 6 और ओ में 8 मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से जोड़ा गया है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई एल और 9 में 6 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा और जे में 8 जोड़ेंगे तो 18 यानी कि आर आ जाएगा, आई एल ओ आर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच कर बताइए, आप लोगों को टाइम दिया जाता है। चलिए देखिए कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, हमारा ए ई डी एम जेड क्यू आर एन एफ एल ओ एम ओ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ए का उल्टा जेड होता है, ई का उल्टा क्यू नहीं होता है, डी का उल्टा ए नहीं होता है, ऐसे नहीं तो उल्टा क्या नहीं प्लेस वैल्यू भी चेक करेंगे तो हमारा अब देखते हैं हमारा यहाँ इसमें 13 जोड़ा है, फिर इसमें भी 13 जोड़ा है,
फिर तीसरे में भी 13 जोड़ा है, जो कि 13 जोड़ के सारा आंसर हमारा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, तो ओ में 13 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 मन यानी कि 26 प्लस 2 यानी कि दो वैल्यू किसकी होती है, बी की, तो हमारा बी आ जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं, 26 के बाद एक्स्ट्रा आता है जो, तो नेक्स्ट साइकिलिंग कर लेते हैं, ए से शुरू करते हैं, तो हमारा इस प्रकार से बी आ जाएगा। फिर दूसरा ओ जोड़े हैं, फिर देखते हैं बी आ गया, सॉरी बी आ गया, इसमें 13 जोड़े हैं, यम में 13 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया, इसका प्लेस वैल्यू 13 है, तो 13 जोड़ेंगे तो 26 होता है, 26 यानी कि जेड। फिर यल में 13 जोड़ेंगे, यल होता है 12 13 25, वाई बी जेड वाई, एफ का 6 होता है, 13 जोड़ेंगे तो मतलब 19 हो जाएगा, 19 का यस होता है, बी जेड वाई यस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं ए सी ई जी जे एल एन पी बी डी एफ एच और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमारा इसमें क्या होगा, देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का 10, इस बार हम देखते हैं कि इसमें 9 का डिफरेंट है, तो ए में अगर 9 जोड़ते हैं, फिर सी में 9 जोड़ते हैं तो एल प्राप्त होता है, फिर ई में 9 जोड़ते हैं तो एन प्राप्त होता है, और जी में 9 जोड़ेंगे तो पी प्राप्त होगा, यानी कि 9 जोड़ा गया है, तो बी में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 2 11, डी में 9 जोड़ेंगे तो डी का 4 था, 9 4 13, मतलब यम एफ में 9 जोड़ेंगे तो 15 ओ, और एफ में जोड़ेंगे, एच में 9 जोड़ेंगे तो 17, मतलब क्यू के एम ओ क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला टाइप पे दिया गया है, जैसे देखेंगे हम बी में 3 जोड़ा गया है तो ई प्राप्त हुआ है, पी में 3 जोड़ा गया है तो इसका 16 होता है, इसका 19 होता है, तो 3 जोड़ा गया 19 प्राप्त हुआ है, इसमें 3 जोड़ा गया है तो डब्ल्यू प्राप्त हुआ है, इसमें 3, यानी कि हमारा 3 सब में जोड़ा गया है, तो हमारा ऑप्शन पहले दे दिया है और ये बाद में दे दिया गया, यानी कि इससे इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो इससे इसमें आने में 3 घटाया जाएगा, तो हम देखते हैं जी का 7 है, मतलब डी आ जाएगा, इसमें से 3 घटाया जाएगा डी से तो ए आ जाएगा, आर से 3 घटाया जाएगा तो आर का 18 होता है, ओ आ जाएगा 3 घटाया जाएगा तो 15, वाई वाई से 3 घटाया जाएगा तो मतलब 25, 3 जाएगा तो 22 बी आ जाएगा, डी ए ओ वी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी जी एल एस ए डी आई पी सी एफ के आर क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं डी में से 3 घटाया गया, ए प्राप्त हुआ है, जी से 3 डी प्राप्त हुआ है, एल से 3, यानी कि इसमें 3 का घटाव किया गया है, तो हम देखेंगे इसमें भी 3, देखें तो इसमें से हमने 3 घटाया तो हमारा इतना प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें भी देखते हैं तो यहाँ 3 घटाएंगे तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, तो 0 की प्लेस वैल्यू कोई दिया नहीं है, कोई नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो हम दूसरा ऑप्शन दूसरा मेथड देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया डी का प्लेस वैल्यू 4 है, इसका 7 है, इसका 12 है, इसका 19 है, तो हमारा दिया है डी में 3 जोड़ा है तो जी प्राप्त हुआ है, और इसमें 5 जोड़ा है तो यल प्राप्त हुआ है, इसमें 7 जोड़ा है तो यस प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से दूसरा है ए में 3 जोड़ा गया है तो डी प्राप्त हुआ है, डी में 5 जोड़ा गया है तो आई प्राप्त हुआ है, आई में 7 जोड़ा गया है तो पी प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से हमारा अगला क्या हुआ, सी में 3 जोड़ा जाएगा तो एफ प्राप्त होगा, और इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो 6 5 11 के प्राप्त होगा, और इसमें 7 जोड़ा जाएगा तो आर प्राप्त होगा, इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे कौन सा हमारा सही होगा। हम इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 21 प्राप्त होगा, 5 जोड़ेंगे तो 21 5 26, ये गलत है, दूसरा में जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 21 प्राप्त होगा, 5 जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त होगा, और उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर में 3 जोड़ते हैं तो यू प्राप्त होता है, और 5 जोड़ते हैं तो जेड प्राप्त होता है, और प्लस 7 जोड़ते हैं तो हमारा जी प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन एनालॉजी टेस्ट में पूरे क्वेश्चनों के टाइप दिए गए हैं, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं,
चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप कमेंट के द्वारा हमें आंसर बता सकते हैं कौन सा सही होता है। चलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करिए ताकि आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके कोई भी। चलिए धन्यवाद।